Sir, my name is Kripal Singh. I belong to Amritsar, Punjab. I have completed my graduation from Khalsa College, Amritsar, in BA, Humanities. Okay. Kripal, when you thought and why you thought that you should go for CAPF? Yes. Sir, can I explain it in Hindi? कब आपने लाइफ में करियर में सोचा कि आप CAPF के जॉब्स के लिए उपयुक्त हैं और किस बेसिस पर? सर, मेरे फादर हैं जो वो पुलिस में हैं, तो शुरू से ही वो यूनिफॉर्म का चाम है या वो पहनने का जो शौक़ था वो मुझे शुरू से था. और सर, फिर उसके बाद मेरे अंकल हैं, वो CASF में रिटायर्ड हैं, वो तो उनसे भी सुनने को कभी मिलता था कि मतलब जो अदर CAPF हैं उनके कंपैरेटिवली जो CASF है तो वो मतलब पुलिस जैसी उनकी जॉब है, या वो काफ़ी मुझे उनका जो तरीका था वो मुझे एडमायर करता था. तो फिर पुलिस के अलावा फिर मुझे जो CAPF है वहाँ मुझे CASF स्पेशली मुझे मतलब जाने के लिए फिर मुझे मुझे लगा कि मैं जा सकता हूँ. आपको वर्दी वाले जॉब ज़्यादा जरूरी? यस सर. तो क्या CAPF में वर्दी है और वर्दी नहीं है, स्टेट पुलिस है? सर, स्टेट पुलिस में भी मैं सिक्योरिटी में है. यस सर. है आर्मी में है. यस सर. बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ वर्दी मिलती है. सर, स्टेट पुलिस में भी मैं ट्राई करता हूँ, अगर तो अगर मुझे वहाँ जॉब मिलती है, जहाँ मेरी कोशिश है कि अगर मुझे वहाँ मिलती है तो मैं वहाँ भी ट्राई कर सकता हूँ. आर्मी में भी ट्राई किया? सर नो, आर्मी में ट्राई नहीं किया कभी. यस सर. अच्छा, ये बताइए अमृतसर का जो अभी आज के जो हालात हैं. यस सर. वो नारकोटिक्स का एक ग्रिप में था. यस सर. पंजाब. यस सर. तो क्या ऐसी बात रही कि केवल पंजाब ही ग्रिप में आया, उस पर दो तीन मूवी भी बनी है? यस सर. सर, एक तो बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ से सर काफ़ी जो ड्रग्स है वो स्मगलिंग होती है. और सर, यूथ है जो वो उसका काफ़ी टिल्ट यहाँ मतलब हो रहा है ड्रग्स की तरफ. तो वो रीज़न है कि जो एक तो ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है, ऊपर से यूथ को इजीली मिल रहा है, तो वो ज़्यादा सर ड्रग्स की तरफ. आपको नहीं लगता कि एम्प्लॉयमेंट वहाँ यूथ के लिए नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया? यस सर. एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है सर. लोग या तो फिर फॉरेन जा रहे हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो या फिर सर या तो ड्रग्स लेने के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं, या फिर सर पैसे कमाने के लिए वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं सर. अगर जॉब्स आएंगी तो काफ़ी हद तक ये सोल्यूशन हो सकता है. सर, में गोल्डन टेम्पल है, बड़ा फेमस इंटरनेशनल फेम के बारे में. यस सर. बताइए इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री. सर, गोल्डन टेम्पल सर बहुत ही ऐतिहासिक है सर. ये हमारे गुरु अर्जन देव जी जो 5th गुरु हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करवाई थी इनकी. साईं मियाँ मीर हैं जो, उन्होंने इसका नींव पत्थर रखा था. और सर, ये 1468 में इसकी शुरुआत हो गई थी. और सर, ये स्पिरिचुअली तब से ही मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिखिज्म में सबसे ज़्यादा इसको ही अहमियत दी जाती है सर. बाघा बॉर्डर अभी आप गए कभी? यस सर. देखा आपने? यस सर. तो कौन सा फोर्स डेप्यूट है वहाँ पर? क्या उनका काम है? सर, BSF है मेनली, तो उनका बॉर्डर मैनेजमेंट का है, जो स्मगलिंग होती है या कोई इंसर्जेंट्स या कोई ऐसे होती है तो बॉर्डर प्रोटेक्ट करना उनका सर मेन पर्पस है वहाँ पे. आप तो कह रहे हैं बॉर्डर से ड्रग स्मगलिंग हो रही है, बॉर्डर लीक है. सर, जो लोकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सर अपना जरिया बना लेते हैं सर. बॉर्डर BSF कर तो रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है सर, पर फिर भी सर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या अगर लोकल ही अगर करना चाहेंगे तो सर हो जाता है फिर. आपने BA किया खालसा कॉलेज से ना? यस सर. अमृतसर. यस सर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यस सर. ये बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है? सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तो सर श्री रंजन गोगोई जी हैं. और सर, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. किस बेसिस पर? कोई क्वालिफिकेशन होगी ना इसकी? सर, क्वालिफिकेशन होती है इनकी ये कि रिटन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, क्या? सर, क्वालिफिकेशन इनको जहाँ तक सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शायद मिनिमम 10 ईयर इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में एज एडवोकेट, और शायद 7 ईयर उनका एज ए जज होना चाहिए. सर, मैं सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहा है. रिकॉल नहीं कर पा रहे
मुझे सर फर्दर स्टडीज करनी पड़ेगी जैसे रिकॉल करना। विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ बताइए। विलियम शेक्सपियर सर आता है ना एग्जाम के, इनके बारे में ब्रीफ बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी या ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बताइए। सर विलियम शेक्सपियर जितना सर मुझे पता है कि पढ़ा है ना आपने। हाँ जी सर। तो बीए में कुछ आ गया हो। सर बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पर इतना पढ़ा है कि इंग्लिश के राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे और शायद इंग्लैंड से बिलोंग करते ये करते थे ये। और बाकी सर बहुत ज़्यादा इसके इनके बारे में मुझे नहीं पता। कोई इनकी बुक या कोई प्ले जो फेमस रहा हो ऐसा आपने नहीं पढ़ा है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। आपका फर्स्ट चॉइस है CISF? यस सर। क्या बेनिफिट्स हैं CISF ज्वाइन करने के? सर कोई बेनिफिट देख के तो मैंने नहीं किया पर मेरा जैसे शुरू से शौक था पुलिस। कुछ तो एनालिसिस ग्रेडेशन किया ना? यस सर। कोई बेसिस तो रहा होगा ग्रेडेशन का? यस सर। मेरा पुलिस फोर्सेस में ज़्यादा मेरा मन जाने का मन था तो जैसे मैंने बताया कि मेरे अंकल हैं जो CISF में हैं तो वो अक्सर मुझे बताते रहते थे कि इनका जो बाकी CAVF के कंपेरेटिवली जो इंट्रैक्शन है वो लोगों के साथ वो CISF में ज़्यादा होगा तो इसके बेसिस मुझे ये बाकी कंपैरेटिवली ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी सर। ये हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी ज़्यादा प्रॉब्लम है या टेररिज्म या नक्सलाइट ज़्यादा प्रॉब्लम है? सर नक्सलाइट भी सर इंटरनल सिक्योरिटी के ही एक इशू आता है। और टेररिज्म? टेररिज्म सर वो जो बाहर से भी जैसे पाकिस्तान हो गया या बाकी से भी स्पॉन्सर करते हैं वो तो सर जैसे मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि फिलहाल जो अभी राइट नाउ देश को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंटरनल सिक्योरिटी की है। मैं पूछना चाह रहा था कि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ज़्यादा डेंजरस है या इंटरनल नक्सलाइट या टेररिज्म ज़्यादा प्रॉब्लम? सर मेरे हिसाब से जो इंटरनल ये जो इंसर्जेंट है जैसे नक्सलाइट हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा डेंजरस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देश की सिक्योरिटी के लिए। सर ये बताइए हमारी CRPF ज़्यादातर नक्सलाइट एरियाज में लगाई गई है तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं इफेक्टिव? वाई CRPF और कितने जवान मारे गए? यस सर। स्टेट पुलिस का क्या कंट्रीब्यूशन है नक्सलाइट रोकने में? सर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो सर कम है इसीलिए CRPF को लगाया जाता है। सर मैनेजमेंट नहीं अच्छे से है पुलिस की। पुलिस का जो रिफॉर्म है जो बोला है DGP साहब, एक DGP हैं सर उन्होंने बोला है पुलिस रिफॉर्म के बारे में बोला है वो नहीं हो रहे सर। पुलिस वैसे ही डिस्ट्रेस में है, ड्यूटी इतनी होती है पुलिस वालों को कि कभी पता नहीं होता कि पूरी 24 घंटे ड्यूटी होती है, कभी 12-12 घंटे 13-13 घंटे सर उनकी ड्यूटी होती है। तो एक इक्विपमेंट उनके साथ उनके पास बहुत अच्छे नहीं हैं बाकी जो नक्सलाइट स्टेट्स में हैं तो उनकी वजह से सर वो CRPF को लगाना पड़ता है वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर को आप फॉलो करते होंगे डे टू डे, क्या नेबरहुड पॉलिसी और क्या इनके है ना इंडो US सर इंडो चाइना कर रहे हैं? हाँ अभी लेटेस्ट फॉरेन विजिट प्राइम मिनिस्टर की कहाँ थी, क्या उसके आउटकम रहे? सर अभी लेटेस्ट तो G20 की समिट थी वो जो ओसाका में हुई है वो जापान में। तो वहाँ के सर जो G20 के अलावा और भी सर बायलेटरल इनिशिएटिव या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं सर, जापान के साथ हुए हैं, US के साथ हुए हैं, चाइना के साथ हुए हैं सर। तो कुछ 7 कंट्रियों के ग्रुप ऐसे बनाए गए एक्सक्लूसिव? हाँ जी सर। क्या है बताइए उसके बारे में? सर 3 कंट्रियों के ग्रुप जैसे इंडिया जापान और US है वो G20 जैसे अपने ग्रुपिंग के हिसाब से जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हुआ है कि वैसे ही गेस कर रहे हैं आप? सर पढ़ा हुआ पर ऐसे मैं बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रहा कि जो आप पूछना चाह रहे हैं तभी ये दिक्कत आ रही है। ओके आप बताइए कौन सी ऐसी मूवी आपने देखी लाइफ में जिससे बहुत आप इंस्पायर्ड हुए हों, प्रेरित हुए हों, मोटिवेट हुए हों पॉजिटिव सेंस? सर पॉजिटिव सेंस में सर शुरू से जब हम गाँव में रहते थे तो फिल्म देखते थे बॉर्डर, वो बहुत सर उसको देख के इंस्पायर होते थे। और शुरू में तो सर बॉर्डर ही थी जो मतलब सनी देओल का खासकर जो रोल था या बाकी थे उनको देख के सर काफ़ी इंस्पायर होते थे कि हमें भी देश के लिए करना है। क्या आपको मैसेज मिला उससे बॉर्डर से? सर मैसेज तो अगर देखा जाए तो यही है कि लास्ट तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे सर वहाँ से देखा था कि एक टाइम था
कि जो इंडिया की फोर्सेस थी वो नीचे हो रही थी, पाकिस्तान की फोर्सेस ज़्यादा हैवी जा रही थी, पर फिर भी ये सर डटे रहे अपने वहाँ पे फील्ड में डटे रहे और लास्ट पे सर वो जीत हासिल करते हैं सर। एनजीटी का नाम सुना है? यस सर। क्या इसका रोल है कंट्री में, क्या है इसके बारे में तो बताइए। सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सर। हाँ सर, कोई पोल्यूशन रिलेटेड कोई सर मेन तो इनका काम है कि जो पोल्यूशन होता है या कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पोल्यूशन कर रहे हैं या मेन तो काम है कि पोल्यूशन रोकने का काम है सर इनको। कई प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये कोशिश करते हैं कि इस हिसाब से बने कि कोई नेचर को अफेक्ट ना आए, मेरे हिसाब से सर जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, NDMA का नाम सुना है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हाँ सर, इसका क्या फंक्शंस हैं कंट्री में? सर मेनली फंक्शन तो इसको डिजास्टर कंट्रोल करने के लिए हैं, जैसे कोई डिजास्टर हो जाता है तो डिजास्टर फोर्सेस वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे सर अभी कब वहाँ गुजरात में भी वो साइक्लोन आया था तो प्रिपेयर होते हैं पहले ही और लोगों को जैसे कोई डिजास्टर आ जाता है तो फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर लगी थी, बताइए इस इंसिडेंट्स के बारे में, कहाँ हुआ था? सर सूरत में हुई थी वो फायर थी वो। कब हुई थी, कितने बच्चे मारे गए, कैसे हुई थी, थोड़ा बहुत तो डिजास्टर जब पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर, दो चार एग्जांपल तो आपके पास होना चाहिए ना लेटेस्ट। ठीक है सर। सर वो जो अभी रिसेंटली हुई थी वो आई थिंक 2-3 महीने पहले की बात है, वो सूरत में हुई थी। वो सबसे पहले तो मैनेजमेंट इतनी नहीं सही थी कि उनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी कि वो ऐसे क्लास चला सकें। फिर जो मैनेजमेंट था वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो फायर कंट्रोल कर सकें। फिर सर दूसरी बात है कि फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आई थी और सर मतलब फायर जब हो गई तो फिर बच्चों को बाहर कूदना पड़ा अपनी बिल्डिंग से, तो वो काफ़ी सर मेरे हिसाब से जहाँ मुझे लगता है 18-19 के पास सर बच्चे जो डेथ हो गई थी उनकी, उनमें छोटे बच्चे भी थे और थोड़े 18-19 के। इस डिजास्टर के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल मानेंगे सर? रिस्पॉन्सिबल को या कोचिंग ओनर? सर सबसे पहले तो कोचिंग ओनर है, उनको भी रिस्पॉन्सिबल, मैं हूँ तो मैं उनको रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। फिर सर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी थोड़ी प्रॉब्लम थी कि जल्दी वो फायर ब्रिगेड नहीं दे पाए या बच्चे जो आग जो होती थी जो लगी थी वो उसको कंट्रोल जल्दी नहीं कर पाए तो डेथ और भी ज़्यादा हो गई। सर पॉलिटिकल साइंस में हम एक ओवर उसका स्कोप मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है कि उसको में गवर्नमेंट्स के ज़्यादा पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे पढ़ते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उसके बारे ज़्यादा पढ़ते हैं। सर मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, फर्स्ट ईयर या मैं कॉलेज में पढ़े तो थे सब्जेक्ट पर ऐसे बहुत इंटरेस्ट के साथ ही ऐसे नहीं पढ़े थे तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर। थिंकर सर ने जो एजुकेशन ली है वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए ली है या किस? नहीं सर पढ़ी है, पढ़ी है सर, यूज़ भी है सर, पर ऐसे नहीं था कि मैं कोई शुरू से बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं सर, ऐसे इंटरेस्ट मेरा कभी नहीं था। जो सीखने के लिए पढ़ी है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था तो वो मैंने पढ़ी है सर। सर जब मैं कॉलेज में था तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने में होता था कि जो करंट अफेयर में हो रहा है जो मुझे सीखने को मिल सकता है ज़्यादा, तो वो मुझे लगता था वो मैं कॉलेज में भी ज़्यादा इंटरेस्ट में न्यूज़पेपर पढ़ने में होता था। आज सर मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी सर। सर मैं एक्चुअली कल अमृतसर था तो आज सुबह ही आया हूँ मैं, सुबह सर 7:30-8 बजे बस यहाँ मिली तो फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाया सर आज। आपका जो इंटरेस्ट है वो रेसलिंग है? यस सर। फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है? सर फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है जहाँ एक सर ग्रीको रोमन रेसलिंग होती है जहाँ सर ओपोनेंट सिर्फ ऊपर जो अबव द बेल्ट वहाँ पर ही अटैक कर सकता है सर, और फ्री स्टाइल होती है कि यहाँ लेग्स को भी अटैक कर सकते हैं आप। सर सुशील कुमार हैं जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में पहले ब्रॉन्ज मेडल लिया था,
फिर 2012 में ओलंपिक्स जब वो लंदन में हुए थे वहाँ पे सिल्वर मेडल लिया था उन्होंने, और योगेश्वर दत्त हैं और साक्षी मलिक हैं जो उन्होंने अभी रिसेंटली मेडल लिया था। ये सुशील कुमार फ्री स्टाइल में लड़ते हैं या फिर ग्रीको रोमन में? सर फ्री स्टाइल में। फ्री स्टाइल में। अच्छा रेसलिंग की एक फाइट कितने देर की होती है? सर 6 मिनट की होती है। 6 मिनट की होती है। दो कैसे मिलते हैं? सर दो राउंड होते हैं, 3-3 मिनट के राउंड होते हैं, और अलग अलग जैसे आप अटैक करते हैं उस हिसाब से सर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सर अगर आप बाहर निकाल देते हो किसी को रेड जोन से तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, अगर आप किसी को पकड़ के पीछे आ जाते हो जहाँ उसके घुटने भी और हाथ भी लग जाते नीचे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपको कोई अच्छा दाव पेज या कोई खालसा कॉलेज से पढ़ लीजिए खालसा कॉलेज में खालसा जो वर्ड है ये क्या है? सर खालसा का सिखिज्म में वर्ड का मतलब है शुद्ध, खालस मतलब शुद्ध होता है, तो वहाँ से सर खालसा वर्ड मिला था। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी तो वहाँ से खालसा पंथ खालसा वर्ड है वो सिखिज्म में तब से वो प्रमोट हो गया था। आप जलियांवाला बाग गए? यस सर। बता सर हिस्ट्री, जब रॉलेट एक्ट के तब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर भी लोग इकट्ठे हुए थे, तब उन्होंने जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बोला था कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते, तो आर्म्ड लेके इकट्ठे नहीं हो सकते या ऐसे गैदरिंग नहीं कर सकते, तो लोग रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट के लिए लोग वहाँ पे विदाउट आर्म वैसे ही इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ सर जो जनरल डायर थे माइकल डायर थे उन्होंने कमांड दी थी जनरल डायर को जाके, तो जनरल डायर ने सर जाके जो लोग इनोसेंट लोग थे वैसे गैदरिंग की थी उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ को सर जाके शूट किया था और लगभग 1000 के आसपास डेथ हुई थी सर। सर जो पंजाब है वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, yes. इंडिया की एग्रीकल्चर की 5 मेजर प्रॉब्लम बताइए। सर एक तो पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी है सर, प्रोडक्टिविटी सर स्टैग्नेंट हो गई है सर, और सर एक तो जो जितना फार्मर सर मेहनत कर रहे हैं उतने उनको सर पैसे मिल नहीं रहे, जो क्रॉप्स हैं जो अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है तो पैसे कम मिलते हैं सर उनको, ये सर मेजर प्रॉब्लम है सर। यस सर। आप एस सी कैटेगरी से आते हैं? यस सर। अभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत है सर? अमेंडमेंट सर 103 सर, आर्टिकल 16 में किया गया सर, 16 क्लॉज 4 में। सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया। एससीएसटी कमीशन? यस सर। किस अनुच्छेद में दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया? अनुच्छेद मतलब सर अमेंडमेंट सर आर्टिकल सर, सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया सर आपका, सॉरी सर। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं के निवारण के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है। यस सर। कमीशन समझते हैं? नेशनल कमीशन। कमीशन हाँ जी सर। एसटी कमीशन हाँ जी सर। वो किस आर्टिकल में के तहत गठित किया गया है, उसका बेस कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है ना? यस सर। सर आई थिंक 15 होना चाहिए, आर्टिकल 15। यस सर। रेसलिंग करते हैं? सर बचपन में किया, अभी नहीं करते सर। केडी जाधव का नाम सुने हैं? यस सर। कौन थे? सर वो फर्स्ट रेसलर थे जिन्होंने 1953 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था सर। हाँ सर। सर ये नहीं पता मुझे कौन से स्टेट से थे। महाराष्ट्र से। ओके सर। भारत के पहले रेसलर जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा पाई, विश्व चैंपियन सर, वो बाद में पाकिस्तान चले गए सर, गामा पहलवान जी की आप बात कर रहे हैं, गामा ग्रेट गामा जिनको बोला जाता था। अच्छा, भारत में जो कुश्ती में दी जाती है हिंद केसरी वगैरह जो अवार्ड दिए जाते हैं, यस सर, उनका क्रम बता सकते हैं सर्वोच्च कौन? सर सबसे भारत केसरी सबसे ऊपर होता है, जो रुस्तमेंद भी उसको पहले बोला जाता था, अब उसको सर भारत केसरी बोला जाता है।
वो पहलवानी में सबसे ज़्यादा सर हाईएस्ट टाइटल इंडिया में उसी को बोला जाता है सर। भारत की किसी अलग अलग जगह होने शुरू हो गए, पहले सिर्फ भारत में एक दो होते थे, अब सर बहुत जगह होने शुरू हो गए सर। स्टेट वाइज हो जाते हैं। हाँ जी सर, जैसे कि नेशनल लेवल पर भारत केसरी कौन है इंडिया केसरी? सर अभी लास्ट ईयर सुनील सोलंकी को मिला था महाराष्ट्र का। सर वही महाराष्ट्र के अलग हो जाते हैं, पंजाब के अलग हो जाते हैं। जैसे पंजाब में बहुत बड़ा दंगल होता है, वही नेशनल लेवल की मान्यता प्राप्त है, उसको मनना रही होता है वहाँ सर। इस बार कृष्ण पहलवान है वो हरियाणा के, वो बने थे इस बार। क्या नाम है उनका? कृष्ण कुमार है उनका नाम। अच्छा, कृष्ण कुमार। यस सर। आपने मोछे रख रखी हैं? यस सर। कौन सी स्टाइल है मोछे? स्टाइल सर मोछे की स्टाइल होती है जैसे मैंने रखा है स्वॉर्ड कट। ये भी सर शायद स्वॉर्ड कट ही है। आपकी स्वॉर्ड कट है शायद सर? लेकिन नहीं सर, क्लियर नहीं है, पहली बार रखी सर। पहली बार रखी? यस सर। पहले नहीं रखी? नहीं सर। हिस्ट्री भी आपका सब्जेक्ट रहा है? हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है ना? यस सर। अच्छा, हिस्ट्री में हम कैसे काल विभाजन करते हैं? तो आप थोड़ा इंग्लिश में बोल सकते हैं? इसको कैसे कहते हैं कि यहाँ से मटेरियल? अच्छा, कैसे इसको डिवाइड करते हैं सर? जो पीरियड के हिसाब से करते हैं। हाँ जी सर, जो एंशिएंट होती है सर वो सर जो 1200 या 12 AD के पहले पहले जो कैसे डिसाइड करते हैं इसको? कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिसके आधार पर बताते हैं इससे पहले जो है ये मिडाइवल रहेगा, इसके बाद मॉडर्न रहेगा, उसको इसका क्राइटेरिया होगा सर? ऐसे सर क्राइटेरिया कोई मुझे नहीं सर ऐसे क्राइटेरिया। रेसलिंग में सबसे टॉप की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसका उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर है? सर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है और सर उसका हेडक्वार्टर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कहाँ। नहीं है नाम फेडरेशन करते हैं यूनाइटेड इंटरनेशनल लेवल पर रेसलिंग, यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन है शायद। क्लियर नहीं है आप? नहीं सर। लास्ट क्वेश्चन, सपोज डेट आप कहीं पर पोस्टेड हो, ठीक है, एज ए असिस्टेंट कमांडेंट CRPF, आप दंतेवाड़ा जानते हैं? दंतेवाड़ा ना? हाँ सर। नक्सल बेल्ट है वहाँ पे आप पोस्टेड हो। सपोज डेट आप कहीं मूवमेंट पर गए हो, आपके कुछ जवान जो हैं वो घायल हो गए आगे, आप फील्ड में थे नक्सली मतलब स्ट्रांग पोजिशन पर हैं, आप लोग पीछे आ करके पेड़ की ओर ले रहे हैं, लेकिन कुछ जवान जो गोली लग गया वो आगे हैं, उनकी तरफ से छोटे बच्चे और औरतें आती हैं जो आपके गिरे हुए जवानों का आर्म्स लेती हैं और उनको छुरा मार करके ले जाती हैं नक्सलाइट की तरफ से। नक्सलाइटों की तरफ से आप उन पर गोली उनको गोली मारेंगे कि नहीं? सर मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप गोली मारेंगे या नहीं मारेंगे। सर अगर वो मेरे जवानों को सर मार रहे हैं तो छोटे बच्चे हैं औरतें हैं और वो आर्म्स आपके लूट करके ले जा रहे हैं जो आगे पड़ेगा सर। लूट करके मैं कोशिश करूंगा कि अगर जितना भी हो सके मैं उनको बचाने की कोशिश करूंगा, पर सर अगर बिल्कुल ही अगर वो गोली चला रहे हैं, बच्चे होकर भी गोली चला रहे हैं या लेडीज होकर भी गोली चला रहे हैं मेरे जवान, अगर मेरे जवानों को मार रहे हैं सर तो फिर मजबूरन मुझे भी मतलब काउंटर अटैक करना पड़ेगा सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। कॉल यू फॉर फीडबैक। ओके सर। थैंक यू। इंटरव्यू हो गया आपको? थैंक यू सर।